Hello everyone. So the banking stock that I am talking about is Kotak Mahindra Bank. आपको मैं कुछ statistics बताता हूँ. हर साल पिछले दो या तीन साल से every year HDFC Bank is adding number of branches in India, and the number of branches added every year is equal to one Kotak Bank. Kotak Bank के करीब करीब 1600 branches है इंडिया में, और हर साल HDFC बैंक 1600 ब्रांचेस, पिछले दो साल से तो ये हो रहा है, 1600 ब्रांचेस ऐड करते जा रही है, विच मीन्स एवरी ईयर HDFC बैंक इज़ एडिंग वन कोटक बैंक. ये दोनों बैंक्स हमारे रेडार पे हैं, फाइन परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप लास्ट दो तीन साल का रिटर्न्स देखते हो तो कोटक, इवन HDFC बैंक फॉर दैट मैटर, रैंक थोड़े अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं. लेकिन यहाँ से अगर ये दोनों में से किसी को पिक करना है तो वाई वुड, मतलब माई ओनली एक्चुअली क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज़, वाई वुड somebody गो फॉर कोटक महिंद्रा बैंक? वाई? जैसे आपने देखा HDFC का मैंने बताया था मर्जर हो गया है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग उसमें आने वाला है. अगर ये दोनों में चॉइस है, फॉरगेट अबाउट ICICI, एक्सिस, वो तो चल चुके हैं ना, दे हैव रन अप, एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट PSU banks. वी आर सेइंग बुक वैल्यू के हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर है, तो HDFC डेफिनेटली अभी भी मुझे लगता है 2200 या 2500 का भाव है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि भाई बैंकिंग में आप प्राइस टू बुक कम से कम 5-5.5 का प्राइस टू बुक पे तो जाओगे, आइडियली 6 के प्राइस टू बुक पे जाओगे. तो अभी तो HDFC बैंक का बुक 450 है प्री मर्जर, मर्जर के बाद तो बढ़ेगा, तो भाव भी बढ़ेगा, बिकॉज फुटसी रीबैलेंसिंग होगी, इंडेक्स रीबैलेंसिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उसमें भाव पे फ़र्क पड़ता है गाइस, राइट? नाउ कोटक में दिक्कत ये है, बहुत अच्छी बैंक है, और उदय कोटक, मतलब इट हैज़ बीन, जग जाहिर है कि ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिलिजेंट इंडिया सेंट्रिक फोकस्ड CEOs. लेकिन अभी उनका कोटक का दूसरा प्रॉब्लम, उदय कोटक साहब अगले 6 महीने में, आई थिंक दिसंबर का डेडलाइन है, आप लोग चेक करना एग्जैक्ट, उनका रिटायरमेंट ड्यू है. RBI ने उनको बोला है कि ही कैनॉट कंटिन्यू फॉर अ टर्म. और RBI और कोटक बैंक के बीच में ना ये टसल पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है, शायद इसलिए वो स्टॉक प्राइस भी हमेशा आप देखो 2000 तक जाता है, 2000 पे कहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिलता है, और फिर वो 1700-1800 वही रेंज बाउंड में आगे पीछे साइडवेज होके चल रहा है. इसका मेन रीज़न ये है, द वे HDFC बैंक ट्रांजिशन टू मिस्टर शशिधर फ्रॉम आदित्य पुरी ड्यूरिंग द पीक पैंडमिक, अक्टूबर 2020 में आदित्य पुरी साहब रिटायर हुए, और जिस तरह, जिस खूबसूरती से HDFC बैंक ने ट्रांजिशन किया ना, वो ट्रांजिशन कोटक बैंक करता हुआ मुझे तो दिख नहीं रहा है. बिकॉज उदय कोटक साहब ने अभी एक लेटर टू शेयर होल्डर्स निकाला था, उसमें उनके दिल का दर्द एक्चुअली बाहर आ रहा है कि ही स्टिल हैज़ हिज प्राइम एंड ही सेइंग एज पर द रूल्स ही सपोज टू रिटायर, बट शायद उनका मन है नहीं रिटायर करने का. तो ये ओवरहैंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना मार्केट की भाषा में, ये बहुत बड़ा ओवरहैंग है, ये ओवरहैंग के वजह से कोटक थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है. लेट मी नो योर थॉट्स. मुझे लगता है अगर दोनों में से मेरा चॉइस तो आपको पता है बहुत क्लियर है, बट डू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी बाय और सेल डिसीजन. और आप कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू आंसर टू योर कॉमेंट्स ऑन दिस. इसका फ्यूचर क्या है कोटक बैंक का? मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर गाइज़.